तो अननोन जीनियस की इस एपिसोड की शुरुआत है डेमोन किंग से, जो कि अपने महल में आराम से बैठा हुआ था या गुफा में कह लो। उसके पास मिस्टिया सा बंदा आता, वो भी एक डेमोन यहाँ पे था। वो कहता है डेमोन लॉर्ड की जय हो। डेमोन लॉर्ड कहता भाई हाँ जय वह। बाद में यार जो बुद्धा वाले मॉन्क वाली जो डेमोन यहाँ पे थी वो मरी या नहीं मरी? जो सुनते मिस्टिया मैन बताता कि नहीं, हमने भाई भेजा था यूनिकॉर्न को, यूनिकॉर्न यहाँ पे मारा गया लेकिन मॉन्क वाली डेमोन अभी भी जिंदा है। जो सुनते डेमोन लॉर्ड भी कहता जो मोशा यहाँ पे थी वो पहले गायब हो गई, ये डेमोन मॉन्क वाली जिंदा यहाँ पर है और साथ ही में जिस यूनिकॉर्न को हमने भेजा वो यहाँ पे मारा गया। वाह बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर है। मिस्टीरियस मैन कहता भाई डोंट वरी, आप मुझे ऑर्डर यहाँ पे दीजिए, मैं जाके ना उस मॉन्क वाली डेमोन को यहाँ पे मार डालता हूँ। जो सुनते ये कहता ना 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 शांत हो जा, अभी रहने दे अभी भी हमारे पास ना ढेर सारे सपोर्टर्स यहाँ पर है, तुझे अभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सामने से वो कहते हैं लॉर्ड कहीं आप, वो कहते यस 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 मैं वही यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे वो लड़की थी ना वो फैमिली की एकदम पकड़ा गई थी, चैन फैमिली की लड़की, चैन फैमिली की हेड जिसने भाई इसकी फैमिली को मारा था, उसके पीछे एकदम पूरा पकड़ा जाती है, पूरा डिमोनाइज हो जाती है और अटैक वटैक करने लग जाती है, बहुत मारती है। लेकिन एंड में कोई शील्ड बना के ना चैन फैमिली की लड़की खुद की प्रोटेक्शन कर लेती है। और कहती थी पास जो आर्टिफैक्ट है उस आर्टिफैक्ट से पावर मिल रहा है, लेकिन उस आर्टिफैक्ट के साथ भी तू मेरे ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। लेकिन इस लड़की को तो गुस्सा आ चुका था, बहुत ही गुस्सा आ चुका था, बड़ा जोरदार अटैक यहाँ पे करती है, बहुत मारती है और फाइनल अटैकर को उसकी जान निकालने ही वाली थी, लेकिन अपनी मॉन्क वाली डेमोन थी ना वो बीच में आ जाती है, मुनी डेमोन, और उसको रोक देती है और उस अपना जो भी बोलते ना अपना डेमोनिक नहीं भाई अपना बुद्धिज्म वाला मंत्र करके जो डेमोनाइज हो गई थी ये लड़की उसको शांत यहाँ पे कर देती है, तो भी आराम से यहाँ पे शांत हो जाती है। लेकिन बदला उसको अभी भी लेना था, इसलिए कहती मॉन्क या तुमको टेंशन होता ना कि हमेशा तुम्हारा पीछा करती हूँ, मुझे उसको मारने दो, अगर तुमने मुझे मारने दिया बदला लेने दिया ना मैं तुम्हारा पीछा यहाँ पे छोड़ दूंगी। जो सुन ये भी कहती है अमितवा, इतना करने के बाद ना जो लड़ाई झड़ा हो रहा था ना जीचा के मैं आसपास के बिल्डिंग और घर टूट गए थे, उसी बिल्डिंग घर के जो मलबा था ना मलबा के नीचे ढेर सारे मासूम लोग यहाँ पे दबे पड़े थे, तो ये अपने पावर से ना उन लोगों को आजाद करके मलबे से बाहर निकालती है। तो अपने नियांग फेंग उसके साथ बाकी थे ना वो सब भी देखते कि ओहो तो मुंडे मुने और बाकी जो भी मासूम लोग यहाँ पे नीचे दबे हुए थे उनको इसने यहाँ पे बचा लिया फिर सामने से, लेकिन तो भी हट नहीं रही थी अपनी डेमोन मारने दे नहीं रही थी, तो ये वो कहती भी कि भाई हटो यार मुझे उसको जहाँ से मारने दो। ये कहती भाई अभी तेरे अंदर ना बदला, लोगों को मारना काटना खून खराबा यही तेरे अंदर घुस रही है और एक मॉन्क को कभी भी शोभा यहाँ पे देता नहीं है, ये सब यहाँ पे छोड़ दो, आ जाओ बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म यहाँ पे अपना लो ये लोग ज्ञान। तो पीछे से नियांग फेंग का दिमाग कहता है कि यार ऐसे टाइम पे भी उसको बुद्धिज्म का ज्ञान यहाँ पे देना है। सामने से वो भी कहती है अरे डेमोन यार ये तो गलत यहाँ पे करियो, समझ गया तुझे क्या चाहिए, वो जो छोटा सा पुतला डॉल यहाँ पे था गौतम बुद्ध वाला जो कि नियांग फेंग ने इसको दिया था वो लौटा देते यहाँ पे, तुझे ये चाहिए ना ये ले ले, और जो मेरा सपना था कि साथ में आएंगे जिंदगी काटेंगे वो सपना शायद कभी भी यहाँ पे पूरा नहीं होगा। और वापस से फिर से एकदम क्रेजी हो जाती है अटैक करने के लिए, तो ये भी चिल्लाते कि नहीं रुको, वो और क्रेजी होती है, इतना क्रेजी कि उसका लेवल अप भी हो जाता है, अपनी फोनिक्स भी नोटिस करते शिट भाई इसका लेवल अप हो गया और ये लगता है गोल्डन इमॉर्टल लेवल पे यहाँ पे जा चुके हैं। भाई ये पॉसिबल यहाँ पे कैसे है? जो अपनी छुटकी थी ना नैंग नैंग वो नोटिस कहते कह रहे वहाँ पे गुस्से में जा चुके हैं, इनका जो भाई था वो मारा गया, जो बाप था मारा गया, सारी फैमिली यहाँ पे मारी गई, गुस्से के चक्कर में ये बदला भी लेना चाहती है और आसपास के जो मासूम लोग पूरा जो सिटी है ना शायद सिटी भी यहाँ पे बर्बाद कर दे, इसलिए कहती है नियांग फेंग से कि यंग मास्टर प्लीज यार हमको ना उनको बचा लेना चाहिए। जो सुनते सामने से नियांग फेंग का भी यहाँ पे लेट हो गया यार, उसकी फैमिली के सारे बंदे यहाँ पे मारे जा चुके, एकदम उसने ठान लिया बदला लेना मतलब लेना, वो लेकर रहेगी हम बीच में कुछ करने जाएंगे शायद हमारे पे अटैक कर देगी, हमको देखने दो भाई जैसा जो कांड चल रहा है वो चलने दो। तो सामने से भाई ये भी देख लेती है भाई वो चैन फैमिली के हेड कह रहे यार ये लोग कुछ यहाँ पे नहीं करे, प्लीज सर कोई तो आओ कोई तो मुझे बचा लो। पीछे से वो देखती भाई नहीं कोई कोई तुझे यहाँ पे नहीं बचाएगा, तेरी जान आज मैं यहाँ पे निकालूंगी, अटैक करने के लिए उसके पीछे बढ़ जाती है, वो भी भागती भाई बचा लो कोई तो मुझे बचा लो। तो पीछे से अपनी मून डेमोन रोकने की भी कोशिश यहाँ पे करती है लेकिन नहीं रुकती, पीछे यहाँ पे जाती है और जाके ना फाइनली भाई उसका कुछ वेपन यहाँ पे था आर पार करके ना उस चैन फैमिली के हेड की जान निकाल लेती है और कहते मेरे मम्मी पापा मेरे पूरे परिवार लो रेस्ट इन पीस, आपका बदला यहाँ पे पूरा हो गया, बदला यहाँ पे पूरा हो जाता है। लेकिन भाई डेमोनाइज हो चुकी थी, एकदम क्रेजी हो चुकी थी, खाली उसको मारने से पेट नहीं भरेगा इसलिए निकल जाती है सिटी में, शायद हो सकता है सिटी में जाके किसी और को मारना यहाँ पे चाहेगी। पीछे से अपनी डेमोन भी देखते हुए कहती सिटी यार इतना बड़ा कांड हो गया और मैं चाह के भी रोक नहीं पाई। दूसरी ओर अपना नियांग फेंग वो भी नीचे से आता, उसका दिमाग का देख रहे बाप रे भैया कल्टिवेशन वाली दुनिया इतनी बड़ी इतनी कॉम्प्लिकेटेड कि मैं क्या बताऊँ, मैं इसके दुनिया में रहने वाला छोटा सा नल्ला सा मामली आदमी, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। ये ले इतना बोल के खुद ही भी होश हो जाता है, सब लोग कहते अरे अरे होश में आइए। सामने से डेमोन भी कहती हाँ होश में आइए, हाँ तो भाई मेरा थोड़ा बहुत यहाँ पे था सपना कि भाई आपके साथ ना और टाइम स्पेंड करूँ और आपके द्वारा और भी ज्ञान यहाँ पे प्राप्त करूँ, लेकिन शायद ना आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मुझे मौका नहीं मिलेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहता है कि हाँ आई नो भाई, तुम उसके पीछे जाकर उसको रोकना ना, जाओ। तो अपनी मून भी उसके पीछे निकल जाती है, आई मीन मून डेमोन भी निकल जाती है और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो
मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।